नमस्कार भाइयों, आज मैं एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत मैसेज आ रहे थे मेरे पास कॉपर प्लेटिंग के बारे में। कॉपर प्लेटिंग किस तरह की जाती है, कॉपर प्लेटिंग में इलेक्ट्रोलाइट को कैसे बनाते हैं और जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं उनको किस प्रकार दूर करते हैं, ये सब मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप वीडियो को पूरा देखें तो आपको काम करने में आसानी होगी। आप चाहें तो कॉपी और पेन लेकर कहीं नोट भी कर सकते हैं, जिससे आपको इलेक्ट्रो प्लेटिंग करने में, कॉपर की प्लेटिंग करने में समस्याएं कम आए। भाइयों, कॉपर प्लेटिंग जो जनरल चलती है, जो मार्केट में ट्रेड में ज़्यादा चलती है, दो तरह की होती है। वैसे कॉपर प्लेटिंग करीब लगभग चार तरह की होती है, बट मार्केट में दो ही तरह की कॉपर प्लेटिंग ज़्यादा चलती है। एक होती है साइनाइड कॉपर प्लेटिंग और दूसरी होती है एसिड कॉपर प्लेटिंग। तो पहले मैं साइनाइड कॉपर प्लेटिंग के बारे में आपको बताऊँगा। कुछ लोग साइनाइड कॉपर प्लेटिंग करने के बाद, जैसे अगर हमें आयरन के ऊपर प्लेटिंग करनी है और उसके बाद निकल भी करना है, तो कुछ लोग पहले साइनाइड कॉपर प्लेटिंग करते हैं 2 से 3 माइक्रोन, उसके बाद निकल प्लेटिंग करते हैं। उससे बेनिफिट ये मिलता है कि थोड़ा प्रोटेक्शन बढ़ जाता है और आयरन के ऊपर रस्ट बहुत कम आती है। तो ये प्रोसेस किस मेटल पर किस तरह किया जाता है, ये भी सारा मैं इसमें बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ साइनाइड कॉपर प्लेटिंग। साइनाइड कॉपर प्लेटिंग ब्रास के ऊपर, कॉपर के ऊपर भी कॉपर प्लेटिंग हो जाती है, ब्रास के ऊपर हो जाती है, आयरन के ऊपर हो जाती है, और भी कई मेटल हैं, जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के ऊपर हो जाती है। एल्युमिनियम का पहले एक ट्रीटमेंट होता है, करने के बाद में कॉपर प्लेटिंग हो जाती है। तो कॉपर प्लेटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है हम इलेक्ट्रोलाइट कैसे बनाएंगे, केमिकल कैसे बनाएंगे जिसमें हम प्लेटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए रेडीमेड साल्ट आते हैं कंपनियों के, प्रोप्राइटरी केमिकल्स होता है। सॉल्ट से आप बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छी कंपनी का साल्ट लें। और साल्ट इसमें दो तरह के आते हैं, एक आता है ऑर्डिनरी कॉपर साल्ट और एक आता है रॉचीला कॉपर साल्ट। कंपनियों ने इस समय क्या किया हुआ है कि सस्ते के लिए ऑर्डिनरी कॉपर साल्ट पे भी रॉचीले कॉपर साल्ट लिखना शुरू कर दिया है। तो आप एक अच्छी कंपनी के इंजीनियर से, जो आपका भरोसेमंद हो, उससे संपर्क करके पता करें कि कौन सा साल्ट हमें लेना चाहिए जो रॉचीले कॉपर साल्ट हो, क्योंकि सभी कंपनियों को मैं देख रहा हूँ उनका रॉचीले कॉपर साल्ट होता नहीं है और वो रॉचीले कॉपर साल्ट डब्बे पर लिखती है। टेस्टिंग कोई कराता नहीं है, इसलिए वो सब चलता रहता है। ऑर्डिनरी कॉपर साल्ट में भी प्लेटिंग वैसे ही आती है और रॉचीले कॉपर साल्ट में भी प्लेटिंग वैसे ही आती है, तो इसलिए प्लेटिंग करने के बाद ज़्यादा महसूस होता नहीं है कि साल्ट हमारा किस प्रकार का है। बट ड्यूरेबिलिटी, थिकनेस और उसकी ग्लेज में फ़र्क होता है। अगर कोई इंजीनियर होगा तो उसको पहचान पाएगा कि ये साइनाइड कॉपर प्लेटिंग में रॉचीले साल्ट यूज हो रहा है या ऑर्डिनरी साल्ट यूज हो रहा है। देखिए, इसमें रॉचीले कॉपर साल्ट यूज करने का कई रीज़न है। इसके अंदर एक तो साइनाइड की मात्रा कम होती है, तो साइनाइड के साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं, जैसे साइनाइड कहीं भी अगर लगा रह जाएगा तो उसके धब्बे आते हैं, उसके स्पॉट आते हैं। तो रॉचीले कॉपर साल्ट से अगर हम प्लेटिंग करते हैं तो जो इसमें स्पॉट आते हैं उनसे बचाव होता है, वो स्पॉट वगैरह इसमें नहीं आएंगे। और जब साइनाइड कम होता है तो वाश आउट जल्दी हो जाता है। ऑर्डिनरी कॉपर साल्ट में साइनाइड थोड़ा ज़्यादा होता है तो वाश आउट होने में भी प्रॉब्लम रहती है और उसमें जो स्पॉट है वो आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हम बात कर रहे हैं कि कॉपर प्लेटिंग का इलेक्ट्रोलाइट कैसे बनाएं। आपको कॉपर प्लेटिंग का साल्ट किसी भी कंपनी से, अच्छी कंपनी से परचेज करना है और उसमें 200 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको डालना है। कंपनी के लिटरेचर में 150 ग्राम पर लीटर लिखा होता है, बट आप अच्छे रिजल्ट के लिए 200 ग्राम पर लीटर डालें। 1 लीटर पानी में 200 ग्राम कॉपर साल्ट डलेगा और 1 लीटर पानी में 1 ग्राम आप डालें सोडियम थायोसल्फेट। कंपनियों के ब्राइटनर भी आते हैं, लेकिन ब्राइटनर में भी यही केमिकल होता है। आप सोडियम थायोसल्फेट का डब्बा ले सकते हैं, आधा किलो का डब्बा 160-170 रुपये का आता है।
लैब ग्रेड का डब्बा लेंगे अच्छी अच्छी क्वालिटी का, तो आपको 160-170 रुपये प्लस टैक्स में मिल जाएगा। तो आप ये सोडियम थायोसल्फेट 1 ग्राम डालेंगे, 200 ग्राम डालेंगे कॉपर सल्फेट, सॉरी साइनाइड कॉपर साल्ट। तो ये डालने के बाद में आप पानी को सही से घोल लें, साल्ट पानी में आराम से घुल जाता है, घुलने में कोई समस्या नहीं होती है, या पेलेटोलाइट तैयार हो जाएगा। और इसको 45 से 50 डिग्री तक हमें गर्म करना है, वेरिएशन है 45 हो 48 हो 46 हो, 50 डिग्री से ऊपर गर्म करना ठीक रहता नहीं है कॉपर के, क्योंकि साइनाइड के जितने भी बात होते हैं वो 50 डिग्री से ऊपर गर्म नहीं करने चाहिए, अदरवाइज साइनाइड डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। तो 45 डिग्री गर्म करने के बाद केमिकल हम उसमें पहले घोल चुके हैं, समझो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट तैयार हो गया, केमिकल तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम एनोड लगाते हैं, एनोड की जो चौड़ाई है वो 4 इंच होनी चाहिए, बेटर रिजल्ट आएगा। वैसे तो कोई आप रॉड डाल दें 2 इंच मोटी, चम्मच डाल दें, कोई कॉपर का कोई टुकड़ा डाल दें, प्लेटिंग उससे शुरू हो जाती है, लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड तरीके से आपको अच्छी प्लेटिंग करने की लिए बता रहा हूँ। 4 इंच चौड़ा एनोड होगा तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। और लंबाई आप देखें कि आपके टैंक जो आपका है जिसमें आपने केमिकल बनाया है उसकी हाइट कितनी है। अगर आपकी हाइट 1 फिट है तो आप 10 इंच लंबा एनोड लें, मतलब कम से कम 2 इंच नीचे से जरूर छोड़ दें। 8 इंच भी ले सकते हैं, अगर आपका आइटम छोटा है टैंक में बहुत नीचे तक नहीं जाता है तो 8 इंच ले सकते हैं, 4x8 का एनोड। इसी तरह टैंक अगर आपका 1.5 फिट का है तो 4x12 का एनोड ले सकते हैं, 4x16 का एनोड ले सकते हैं। तो मतलब ये है कि टैंक में जब एनोड नीचे जाएगा तो नीचे से कम 4 से 6 इंच एनोड ऊपर लटका हुआ होना चाहिए टैंक के नीचे, पहंदे में जमीन में टैंक की नीचे टिके ना, क्योंकि टैंक में नीचे गंदगी बनती है, नैनो नीचे टिकेगा तो करंट के साथ वो गंदगी ऊपर आएगी तो पीस पे रफनेस आएगी, दाना आएगा जो हाथ में चुभेगा। तो अब डिपेंड करता है कि आपका टैंक कितना लंबा है, एनोड कितने लगाने चाहिए, बहुत फोन आते हैं। देखिए ऐसा है, एनोड अगर आपका लंबा है तो एनोड में एक एनोड से दूसरे एनोड की दूरी 6 इंच होनी चाहिए, कम से कम 6 इंच होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 एनोड भी लगा सकते हैं 2 फिट के एनोड में, 2 फिट के टैंक में सॉरी। तो आप देखें अगर आपको काम करना है, बढ़िया क्वालिटी में काम करना है, आपके पास काम है तो आप 6 इंच की दूरी रखें एनोड से एनोड की। और इसके बाद एनोड से कैथोड की दूरी, मतलब जो पीस आप लगाएंगे उससे पीस और जो प्लेट आपने कॉपर की डाली है उसके बीच में कितनी दूरी रहनी चाहिए, मतलब चौड़ाई कितनी होनी चाहिए टैंक की, वो डिपेंड करता है आपके पीस के ऊपर। तो कम से कम 6 इंच और अधिक से अधिक 9 इंच की डिस्टेंस होनी चाहिए दोनों में, मतलब ऐसा ना हो कि जो आपने एनोड लगाया है कॉपर का प्लेट लगाया है जो प्लेटिंग करने वाला पीस है वो उस पर बिल्कुल करीब पहुँच जाए, तो उस कंडीशन में करंट प्रॉपर हम नहीं दे पाएंगे और पीस जलेगा। तीसरा मुद्दा आता है करंट कितना देना है। तो करंट देखिए वैसे तो 4 से 6 वोल्ट होता है कॉपर प्लेटिंग का, बट डिपेंड करता है अगर आपने 100 लीटर 200 लीटर का टैंक है और आपने करंट चालू कर दिया 4 वोल्ट और आपने एक पीस लगा दिया तो वो बर्न हो जाएगा। तो करंट आपको एक आध पीस अगर ट्राई करना है तो जैसे आधा वोल्ट कर दिया, 1 वोल्ट कर दिया, प्लेटिंग चालू हो जाएगी। अगर आप पूरा लॉट लगाते हैं तो 4 से 6 वोल्ट चलेगा, पूरा लॉट का मतलब पूरे टैंक में भर के मार लगाते हैं तो 4 से 6 वोल्ट पर आप प्लेटिंग करेंगे। उसमें भी अगर आपको बर्निंग आती है, बर्निंग का मतलब होता है कॉपर जो है जला जला सा हो जाता है, और खास तौर से जो पीस आप लगा रहे हैं उसके नीचे के हिस्से में, तो समझिएगा करंट ज़्यादा है तो आपको करंट थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो ये तो है कॉपर प्लेटिंग की बात, साइनाइड कॉपर प्लेटिंग की। साइनाइड कॉपर प्लेटिंग करने से पहले पीस को क्लीनिंग भी करना होगा, मैं हर प्लेटिंग में बताता हूँ, क्लीनिंग सभी प्लेटिंगों में एक जैसी होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीनिंग होती है, रेडीमेड साल्ट आते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीनिंग के साल्ट आते हैं, वो क्लीनिंग 5 से 6 वोल्ट पर होती है, 5 से 8 वोल्ट पर होती है, डिपेंडिंग ऑन आइटम्स वेट और आइटम सरफेस एरिया। तो क्लीनिंग करें आप, क्लीनिंग के बाद धुलाई करें,
एसिड डिप करें, ये सल एसिड डिप जब हम बोलते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड डिप होता है, वो भी मैक्सिमम 5% का, तो वो डिप कर सकते हैं। डिप करने के बाद धुलाई करें, और वो धुलाई सही होनी चाहिए क्योंकि एसिड का पानी साइनाइड कॉपर के टैंक में नहीं जाना चाहिए। उसके बाद पीस को एसिड को साइनाइड कॉपर के टैंक में लगाएंगे, साइनाइड कॉपर करने के बाद पीस को वाशिंग करेंगे, वाशिंग के बाद फिर हम जो है 2% सल्फ्यूरिक एसिड में उसको वाश करेंगे, वाश करने के बाद धुलाई करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट प्लेटिंग करेंगे। अगर आपको कोई एंटीक करना है या पीस पे हमें कॉपर फिनिश चाहिए, वो भी डल कॉपर फिनिश, क्योंकि साइनाइड कॉपर जो होता है वो डल कॉपर फिनिश होता है, इसमें चमक नहीं आती है। अगर आपने पहले ही पीस में चमक ले ली है, सपोज़ आपने निकल किया है पीस के ऊपर और उसके बाद हल्का सा कॉपर का फ्लैश लेना है, तो इसमें चमक महसूस होगी, चमक दिखाई देगी साइनाइड कॉपर में। वैसे साइनाइड कॉपर की अपनी चमक नहीं होती है, अगर आप किसी मैट पीस पे करेंगे तो मैट आएगा, चमक के पीस पे करेंगे तो आपको चमक महसूस होगी। साइनाइड कॉपर करने के बाद में हम अगर पीस पे चमक, हमें कॉपर चाहिए, हमें कॉपर में पीस को चमकाना है, ब्राइट कॉपर लेना है, मिरर फिनिश लेनी है, तो उसके लिए हमें एसिड कॉपर करना पड़ेगा। तो साइनाइड कॉपर हमें करना पड़ेगा उस पीस पे भी जिसपे हमें एसिड कॉपर करना है। तो साइनाइड कॉपर का प्रोसेस पूरा हो गया, अब मैं एसिड कॉपर का प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। एसिड कॉपर में इसका इलेक्ट्रोलाइट नोन होता है, सभी लोग जानते हैं, तो इसके हम अलग अलग केमिकल बनाते हैं। इसमें एक केमिकल लगता है कॉपर सल्फेट, 200 ग्राम पर लीटर आप डालें, 200 से 250 ग्राम पर लीटर डलता है, बट आप 200 ग्राम पर लीटर डाल के काम स्टार्ट कर सकते हैं, काम बढ़िया चलेगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे, 200 ग्राम पर लीटर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 ग्राम पर लीटर कॉपर सल्फेट डालें और 40 ml पर लीटर इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालें। सल्फ्यूरिक एसिड लैब ग्रेड का प्योरीफाइड एसिड आता है, लैब ग्रेड कंपनियों का, जैसे ग्लैक्सो है, मर्क है, और बहुत सी कंपनियां हैं, आप देख लें आपके मार्केट में आपके पास में कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड अवेलेबल है। तो आप लैब ग्रेड का प्योरीफाइड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे 40 ml पर लीटर। पहले हम कॉपर सल्फेट घोलेंगे, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। जब पूरा कॉपर सल्फेट घुल जाएगा तब सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है कि इसके अंदर सिंपल वाटर, रॉ वाटर, टैप वाटर नहीं चलता है, इसमें हमें डीएम वाटर लेना पड़ेगा, डीमिनरलाइज्ड वाटर, क्योंकि इसमें हमें क्लोराइड फ्री वाटर चाहिए होता है। इसमें क्लोराइड अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें बात का रिजल्ट बढ़िया नहीं आएगा, तो इसमें हमें डीएम वाटर लेना है। डीएम वाटर में कॉपर सल्फेट घोलें, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड डालें, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट तैयार हो गया। अब इसके अंदर ब्राइटनर भी डलते हैं क्योंकि हमें चमक लेनी है, मिरर फिनिश आती है इसमें, तो इसमें प्रोप्राइटरी केमिकल्स होते हैं ब्राइटनर्स कंपनियों के, वो डालने पड़ते हैं। आपके पास कौन सी कंपनी अवेलेबल है उसके केमिकल लेके आप डाल सकते हैं, कंपनी का जो इंजीनियर है वो आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड कराएगा कि हमारा कौन सा ब्राइटनर, कौन सा केमिकल, कितना परसेंटेज में, कितना पर लीटर डलेगा। तो मैं आपको जनरल बता देता हूँ जो केमिकल डालते हैं, इसमें तीन केमिकल आते हैं मेनली। एक केमिकल वेटिंग एजेंट आता है, उसको हम काउंट करते नहीं है क्योंकि कभी कभी डालना पड़ता है, और वो ना भी डाल, वो बहुत लोग डालते नहीं है, वो ऐसे ही काम होता है। वो वहाँ ज़रूरत होती है जहाँ पर 20 से 25 माइक्रोन कॉपर हमें चढ़ाना हो, तब उसकी ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज जो मिरर फिनिश लेते हैं, जो 5 मिनट 10 मिनट में जो चमक लेते हैं, उनमें उन्हें जो है वेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती है। तो तीन केमिकल आते हैं मेनली अमूमन। देखिए, इसमें एक होता है मेकअप, मेकअप का मतलब होता है कि जब हम टैंक बनाते हैं तो बनाते समय केमिकल डलता है वो, और उस केमिकल की क्वांटिटी होती है 10 ml पर लीटर, 1 लीटर पानी में 10 ml डलेगा। इसके अलावा दो केमिकल होते हैं, एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी, लोकल भाषा में ब्लैक वाइट भी उनको बोलते हैं, हालांकि ब्लैक और वाइट कलर नहीं होता है, उनका कलर अलग होता है। तो एक होता है डाई वाला केमिकल जो डार्क कलर का होता है, उसको ब्लैक बोल सकते हैं, गहरा बैंगनी रंग होता है, जामुनी रंग होता है गहरा, तो वो केमिकल आपका डलेगा इनिशियली 0.5 ml पर लीटर। और उसके साथ दूसरा आता है बी ब्राइटनर, तो वो डलेगा 0.5 ml पर लीटर। दोनों बराबर बराबर मात्रा में आप डाल दें, तो तीनों केमिकल डलने के बाद में आपका ये टैंक तैयार हो जाएगा। ये पानी गर्म नहीं होता, ठंडे में चलता है, इसमें हीटर लगाने की जरूरत नहीं है। एनोड इसमें फास्फोराइड लगता है, गोल एक एनोड आता है, एनोड लगाने का तरीका वही है, एक एनोड से दूसरे एनोड की दूरी 6 इंच होनी चाहिए। लंबाई मैंने जैसे साइनाइड कॉपर में बताया कि नीचे से 4 इंच से 6 इंच तक
जो है छोड़ना है हमें, उसके बाद उसके हाइट तय करना है कि हमारा एनोड हमारा कितना लगेगा, 12 इंच का लगेगा, 18 इंच का लगेगा या 24 इंच का लगेगा, टैंक की हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरा मुद्दा करंट का आता है, गर्म होगा नहीं पानी, तीसरा मुद्दा करंट का आता है। तो करंट इसमें हम 4 से 6 वोल्ट चलाते हैं, एम्पियर इसमें हाई चलता है। तो जो हम इसमें वायरिंग करेंगे, जो इसमें हम बस बार से बोलते हैं, जो हम एनोड कैथोड के कनेक्शन रेक्टिफायर तक देते हैं, तो पत्तियां पत्तियों से कनेक्शन देते हैं, उनको बस बार बोलते हैं। टैंक आपका छोटा है, आइटम हमें छोटे निकालने हैं, तो जो वेल्डिंग लीड आती है, वेल्डिंग मशीन में जो लीड यूज होती है जिससे वेल्डिंग करते हैं, उस लीड से भी हम कनेक्शन कर सकते हैं। वो लीड अलग अलग कैपेसिटी की आती हैं, 200 एम्पियर, 300 एम्पियर, तो वो लीड लेकर के हम कनेक्शन कर सकते हैं बस बार की जगह पर। और साइनेट कॉपर करने के बाद में पीस को धुलाई करके सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने 2-3% का पानी बनाया उसमें डिप करके धुलाई करके, और 1 DM वाटर की धुलाई हमें रखनी है एसिड कॉपर से पहले। मतलब कि कोई भी पीस एसिड कॉपर में लगाना है तो पहले डीएम वाटर में वॉश करना है उसको, उसके बाद एसिड कॉपर में लगाना है, जिससे कि एसिड कॉपर के अंदर कोई इम्प्योरिटी या क्लोराइड, जैसे मैंने बताया क्लोराइड फ्री हमें चाहिए टैंक, ये इसमें करीब 70 PPM के आसपास क्लोराइड रहना ज़रूरी भी है। बट वो हम ये मानते हैं, अलग से डलवाते नहीं है, क्योंकि जब आदमी प्रोसेस करता है तो कहीं ना कहीं से एज इम्प्योरिटी क्लोराइड आ जाता है, तो वो आप स्टार्टिंग में ना डालें, वो ऑटोमेटिकली 1-2 दिन में आपका डेवलप जरूर हो जाएगा, क्योंकि 2-4 बूंद सादा पानी की जरूर जाती है पानी के अंदर, तो रिजल्ट आपको आना शुरू हो जाएगा। इसमें टाइमिंग आप देख लें, 15 मिनट में बहुत अच्छी चमक आ जाती है। इसमें भी सिस्टम वही है, करंट होगा तो बर्निंग होगी, जो आप पीस हैंग करेंगे टैंक में उसमें नीचे खींचता बर्न हो जाएगा। बर्न होने का मतलब ये कि वो धुंधला और चॉकलेटी जैसे कलर का हो जाता है, तो आप समझो कि बर्न हो रहा है, तो आपको करंट कम करना पड़ेगा और पीस आपके बढ़िया रहेंगे। तो ये एसिड कॉपर की फाइनल फिनिश हो जाएगी। अच्छा, एसिड कॉपर करने के बाद में आप ये चाहें कि पीस को हम धुलाई करके ऐसे ही रख दें, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि कॉपर की टार्निशिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, वो जैसे ही पीस सूखेगा वैसे ही वो कलर चेंज कर जाएगा, उसमें धब्बे, स्पॉट, ब्लैकनेस ये सब दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए एसिड कॉपर करने के बाद में आपको एक एंटी टार्निश आता है अलग अलग कंपनियों का, वो आपको करना पड़ेगा, उसके बाद उसको ड्राई करना पड़ेगा। और ये एंटी टार्निश भी आपका कुछ समय के लिए प्रोटेक्ट कर सकता है, फाइनली प्रोटेक्शन के लिए आपको स्प्रे लेकर, एयर ड्राई लेकर होता है जो पीस पे किया जाता है, वो लेकर इसके ऊपर करें तो इसको लॉन्ग लाइफ जो है ये स्टेबल रहेगा। तो ये आपका साइनाइड कॉपर और एसिड कॉपर का प्रोसेस है, मार्केट में यही ज़्यादातर चलते हैं, जो ज्वेलरीज लोग करते हैं उसमें यही कॉपर चलता है, और इसमें चमक आ जाती है। इसके बाद में लोग इसके ऊपर सिल्वर कर सकते हैं, इसके ऊपर गोल्ड कर सकते हैं, निकल कर सकते हैं, कुछ लोग इस पर हल्का निकल का फ्लैश दे के गोल्ड करते हैं, क्योंकि कॉपर के ऊपर डायरेक्ट गोल्ड करेंगे तो गोल्ड का डिपोजिशन ज़्यादा आएगा, तब कलर आएगा प्रॉपर। जो लोग माइक्रोन गोल्ड करते हैं वो कॉपर के ऊपर डायरेक्ट कर सकते हैं, जो लोग फ्लैश गोल्ड करते हैं उनको हल्का सा निकल का फ्लैश देना जरूरी है, पीस सफ़ेद हो जाएगा, उसके ऊपर गोल्डन कलर जो है बढ़िया आएगा। या इसके ऊपर हल्का सिल्वर करें, सिल्वर स्ट्राइक करें कॉपर करने के बाद, उसके ऊपर उसके बाद गोल्ड करें। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। ये मैंने आज आपको साइनाइड कॉपर, एसिड कॉपर के बारे में बताया। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो मैसेज कर सकता है, मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर भी मैसेज अगर वो करेंगे तो उस पर भी मैं जवाब देता हूँ। थोड़ा जवाब देने में देरी होती है बट मैं जवाब देता ज़रूर हूँ। तो आप ये करके देखें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं डालूँगा क्रोम प्लेटिंग के बारे में, क्रोम प्लेटिंग की काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं। तो ब्राइट क्रोम हम कैसे करें, हार्ड क्रोम कैसे करें, ये दोनों वीडियो में बहुत जल्दी ही डालने वाला हूँ। नेक्स्ट आप देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे मुझे मोरल सपोर्ट मिले और मैं आप लोगों की अधिक से अधिक सेवा कर सकूं। धन्यवाद। नमस्कार।